नेक्स्ट हमारा जो पीरियोडिक टेबल आता है, इट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये जो पीरियोडिक टेबल है ये मेंडलीव के द्वारा दिया गया, जो कि एक रशियन केमिस्ट थे। ही वॉज अ रशियन केमिस्ट, ये एक रशियन केमिस्ट थे, और उन्होंने जितने भी एलिमेंट्स थे उन सभी एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली जो है वो अरेंज किया था। किसके अकॉर्डिंगली अरेंज किया था? एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली जो है उन्होंने उस पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था। अब बात ये आती है कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस पीरियोडिक टेबल के। तो सबसे पहली बात आती है कि इन्होंने जब पीरियोडिक टेबल बनाया था उस समय तक टोटल 63 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हो चुके थे, और इन 63 एलिमेंट्स को उन्होंने प्रॉपरली एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वो प्रॉपरली अरेंज किया था, प्रॉपरली जमाया था। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, है ना, या हम कह सकते हैं दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल का जो है ये एक पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि जिसमें उन्होंने सारे के सारे 63, है ना, जो एलिमेंट्स थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया था। नाउ द सेकंड पॉइंट, दूसरा जो पॉइंट था, उन्होंने पूरे पीरियोडिक टेबल को, जो उन्होंने पीरियोडिक टेबल ड्रॉ किया था उस पीरियोडिक टेबल को दो पार्ट्स में डिवाइड करा। द फर्स्ट वन, पहला जो था वो कहलाता है विच इज द हॉरिजॉन्टल पार्ट, और वो हॉरिजॉन्टल जो रोज थी उसको उन्होंने नाम दिया पीरियड। हॉरिजॉन्टल रोज को उन्होंने क्या नाम दिया? पीरियड नाम दिया। मैं इसके नीचे लिख देती हूं, दैट इज हॉरिजॉन्टल रोज। जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उसे उन्होंने पीरियड्स नाम दिया। एंड द सेकेंड वन, और जो दूसरा था जिसको हम वर्टिकल कहते हैं, वर्टिकल कॉलम्स कहते हैं, इन वर्टिकल कॉलम्स को उन्होंने नाम दिया, वर्टिकल कॉलम्स को उन्होंने नाम दिया दैट इज ग्रुप्स। उन्होंने उसे क्या नाम दिया? ग्रुप नाम दिया। अब इस पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स थे और कितने पीरियड थे, है ना, इट इज द मेन क्वेश्चन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कितने ग्रुप्स और कितने पीरियड जो है उसमें प्रेजेंट थे। तो जब उन्होंने पीरियोडिक टेबल ड्रॉ किया उस समय तक नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, और इसीलिए उन्होंने इस वर्टिकल कॉलम को टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड करा। कितने पार्ट्स में डिवाइड करा? 8 पार्ट्स में डिवाइड करा। और किसको डिवाइड करा 8 पार्ट्स में? जो ग्रुप्स थे उनको 8 पार्ट्स में डिवाइड करा। कौन से वाले? वर्टिकल, ठीक। और जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उन हॉरिजॉन्टल रोज को, ठीक है, जिनको हम पीरियड कह रहे हैं, उनको टोटल 7 पीरियड्स में डिवाइड करा। तो उस तरह से टोटल ग्रुप्स थे 8 और टोटल पीरियड्स जो थे वो थे 7। कब तक थे? जब तक कि नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। जैसे ही नोबल गैस डिस्कवर हुआ उन्होंने इस पीरियोडिक टेबल में एक और एक्स्ट्रा टेबल, एक एक्स्ट्रा कॉलम जो है वो ऐड कर दिया, और इस तरह से 8+1 यानि टोटल 9 ग्रुप्स यहां पर आ गए। नाउ द कंप्लीट पीरियोडिक टेबल, जो पूरा पीरियोडिक टेबल था, है ना, उसको मैं थोड़ा सा बताती हूं आपको कि उन्होंने क्या करा। ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, ठीक, इसके इन्होंने क्या करा? 8 पार्ट्स में डिवाइड करा, है ना, ये फर्स्ट हो गया हमारा, ठीक है। नाउ द सेकेंड वन, दूसरा मैं यहां लिख रही हूं, दिस इज द सेकेंड वन। नाउ द थर्ड वन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, एंड लास्ट वन इज द नाइन्थ वन। दिस इज 8th वन एंड दिस इज 9th वन। लास्ट वन आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है आपको? 9th वाला जो है वो आपको, है ना, वर्टिकल कॉलम दिखाई दे रहा है, ठीक। और इसको उन्होंने, है ना, जितने भी हमारा ग्रुप था उसको उन्होंने रोमन नंबर से डिनोट किया, रोमन नंबर से रिप्रेजेंट किया,
और जो लास्ट ग्रुप था उसको उन्होंने नाम दिया जीरो ग्रुप, उसे उन्होंने जीरो ग्रुप कहा। तो इस तरह से टोटल ग्रुप्स कितने हो गए बेटा, टोटल ग्रुप्स हो गए आपके 9, दैट इज 8+1, 8+1 में उन्होंने उसे डिवाइड करा। ईच ग्रुप, प्रत्येक ग्रुप जो था इट इज सब डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया और उन्हें नाम दिया गया, दैट इज फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी ग्रुप, सिमिलरली सेकेंड ए एंड सेकेंड बी ग्रुप, सिमिलरली है ना, यहां से हम यहां तक आ जाता है सेवंथ ए एंड सेवंथ बी ग्रुप, इसको भी सेवंथ ए और सेवंथ बी ग्रुप में जो है वो डिवाइड कर दिया गया, एक्सेप्ट एट एंड जीरो ग्रुप, केवल आठवां ग्रुप और जीरो ग्रुप को छोड़ करके बाकी सारे ग्रुप्स को जो है वो सब ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड कर दिया गया। नाउ द पीरियड, अब जो हॉरिजॉन्टल पीरियड थे है ना, हॉरिजॉन्टल रोज थी, वो तो टोटल कितनी रोज थी, 7 रोज थी, और इस तरह से जो है उन्होंने क्या कर दिया, इस पीरियोडिक टेबल को जो है वो डिजाइन कर दिया। तो पीरियड्स इसमें हो गए 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो इस तरह से जो है उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल जो है वो क्या कर दिया, कंप्लीटली फॉर्म कर दिया। नाउ द पीरियोडिक लॉ विच इज द मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, अब हम आते हैं मेंडलीव्स के पीरियोडिक लॉ पर। क्या कहता है मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ, दिस इज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। दिस इज द मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड इट इज द इम्पॉर्टेंट वन, ये इम्पॉर्टेंट भी है, 5-स्टार क्वेश्चन है कि आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ बताइए या फिर समझाइए, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। अब अपन आते हैं दैट इज द अचीवमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक लॉ या पीरियोडिक टेबल, जो मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल है उनके क्या क्या अचीवमेंट्स है या क्या क्या सिग्निफिकेंस है। तो नाउ द अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल के अचीवमेंट्स, द फर्स्ट वन, सबसे पहला पॉइंट जो आता है, इट इज यूज्ड इन सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, मतलब इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स की सिस्टमेटिक स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। सिस्टमेटिक स्टडी का मतलब क्या हुआ, दैट इज टू स्टडी द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। हम क्या कर सकते हैं, सारे एलिमेंट्स को जो है वो प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट या दिस इज द फर्स्ट अचीवमेंट, ये सबसे पहला अचीवमेंट था। नाउ द सेकेंड वन, दूसरा जो आता है दैट इज द प्रिडिक्शन ऑफ, पॉइंट नंबर टू इज द प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, द प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। बेटा आपको पता है जिस समय ये पीरियोडिक टेबल बनाया गया था, डिजाइन किया गया था मेंडलीव के द्वारा, उस समय तक कई ऐसे एलिमेंट्स थे जो डिस्कवर नहीं हुए थे, और जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे मेंडलीव ने क्या करा, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में तो उनको जानकारी थी, लेकिन उन्होंने उस समय क्या करा कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट की स्पेस को वैकेंट छोड़ दिया। मतलब जैसे ये पीरियोडिक टेबल है और इस पीरियोडिक टेबल में मान लीजिए यहाँ पर कोई एलिमेंट है ना, इस एलिमेंट को जो है वो डिस्कवरी नहीं हुई है इस प्लेस के एलिमेंट की,
ठीक है, इस वाले प्लेस की। तो उन्होंने क्या करा, आजू बाजू के जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे उसके अकॉर्डिंगली सारे प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई कर लिया इस पर्टिकुलर एलिमेंट के, और उन्होंने उस प्लेस को वेकेंट छोड़ दिया है ना, उस जगह को खाली छोड़ दिया, और उससे एक पर्टिकुलर संस्कृत वर्ड था दैट इज एका, उसको एका नाम से जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज एका, ई के ए, ई के ए एका से जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया, बता दिया। ठीक, तो ऐसे कई एलिमेंट्स थे, जैसे बाद में जो डिस्कवरी हुई उसमें उन्होंने नाम दिया था, या उसके पहले उन्होंने जो बताया था दैट इज एका एल्यूमिनियम। एका एल्यूमिनियम जो है वहां पर जो डिस्कवरी हुई वो था गैलियम, वहां पर गैलियम की डिस्कवरी हुई। द सेकेंड वन वॉज एका सिलिकॉन, जो दूसरा नाम दिया था या जो दूसरी प्लेस उन्होंने खाली छोड़ी थी उसका नाम था एका सिलिकॉन, और वो जो एका सिलिकॉन था वहां पर जर्मेनियम की डिस्कवरी हुई। जो तीसरी प्लेस उन्होंने खाली छोड़ी थी दैट इज एका बोरॉन, एका बोरॉन उन्होंने नाम दिया था, और इट इज द प्लेस ऑफ स्कैंडियम, यहां पर जो है वो स्कैंडियम का स्थान था। तो इस तरह से इन्होंने क्या करा, प्रिडिक्शन ऑफ द न्यू एलिमेंट्स, नए एलिमेंट्स का जो है इनके द्वारा प्रिडिक्शन किया गया। द नेक्स्ट वन, तीसरा जो आता है, तीसरा अचीवमेंट जो आता है इनका वो है द गैसेस सच एज हीलियम, नियॉन एंड आर्गॉन which were discovered later were placed in a new group without disturbing the existing order, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इन्होंने क्या करा था, इनके जो पीरियोडिक टेबल ड्रॉ किया था सबसे पहले तो उसमें 8 ही ग्रुप रखे थे, लेकिन 8 ग्रुप क्यों रखे थे, क्योंकि तब तक किसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। अब जैसे ही ये नोबल गैसेस डिस्कवर हुई उन्होंने क्या करा, एक सेपरेट ग्रुप ऐड कर दिया, ठीक है, और जो पूरा पीरियोडिक टेबल था उसको किसी भी प्रकार से उन्होंने डिस्टर्ब नहीं होने दिया। ठीक है, तो ये हमारे कुछ 3 पॉइंट्स थे विच आर द अचीवमेंट्स ऑफ द मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। नाउ द नेक्स्ट वन, अब जो आते हैं अपन, दीज आर द लिमिटेशंस। ठीक है, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का ये लास्ट पॉइंट है, दैट इज द लिमिटेशन, जिनको हम लिमिटेशन कह रहे हैं। नाउ द लिमिटेशंस में सबसे पहले आता है फर्स्ट, ही कुड नॉट डिजाइन अ करेक्ट पोजिशन फॉर हाइड्रोजन। देखो बेटा, ठीक है, या हम कह सकते हैं दैट इज द एनोमलस बिहेवियर ऑफ या एनोमलस पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, एनोमलस पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब एनोमलस पोजिशन का मतलब क्या होता है बेटा, एनोमलस का मतलब होता है कि हाइड्रोजन की जो पोजिशन है इट वॉज नॉट फिक्स्ड, वो बिल्कुल भी फिक्स्ड नहीं थी। ठीक है, और क्यों फिक्स्ड नहीं थी, क्योंकि देखो हाइड्रोजन हम कहां रख रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप में, ये रहा हाइड्रोजन। ठीक है, इसके बाद में सेवंथ ग्रुप में कौन आ जाता है, फ्लोरीन। सेवंथ ग्रुप में कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यानी यहां पर कौन आ जाते हैं, इन सबको हम नाम देते हैं हेलोजन्स, इन्हें हेलोजन्स कहा जाता है। ये रहा हमारा हाइड्रोजन, ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप में अल्कली मेटल्स को बिलोंग कर रहा है, यहां पर आती है अल्कली मेटल्स, इन्हें हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। अब दोनों में रिजेंबलेंस क्या है, क्या समानता है, ध्यान से समझते जाना,
इनका रिजेंबलेंस ये है कि जो हमारा हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम इसका कॉन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे, 1s1, ठीक है। इनको, इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल एक है ना। 1s1 की बजाय हम इनको लिख सकते हैं कि के की शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। और जब हम यहां चलते हैं तो के और एल को अगर मैं रिप्रेजेंट करती हूं तो के के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और एल के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, ठीक है। किसकी बात कर रही हूं मैं यहां पर बात कर रही हूं फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन की अगर मैं बात करती हूं तो के में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और एल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अगर इस हाइड्रोजन को मैं ध्यान से देखूं तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन की इसमें क्या है, डेफिशिएंसी भी है, कमी भी है, ठीक है। और वैसे ही यदि मैं किसकी बात करती हूँ, 7th ग्रुप की बात करती हूँ, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। और यदि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, यानी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके पास में भी कितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की। तो हाइड्रोजन और हमारा जो 7th ग्रुप के हेलोजन्स है वो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज को शो करते हैं, कहीं ना कहीं समानता को दर्शाते हैं। इसी तरह से यदि मैं अल्कली मेटल्स के साथ में इनका हाइड्रोजन का रिजेंबलेंस शो करती हूँ तो अल्कली मेटल्स में हाइड्रोजन के नीचे कौन आ जाता है, लिथियम। लिथियम के बाद कौन आ जाता है, मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ सोडियम। फिर आ जाता है पोटेशियम। और इन सब के आउटर मोस्ट शेल की अगर मैं बात करती हूँ, इनका अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ, के और एल कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ, तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लिथियम, लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में भी 2.1, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। लिथियम के भी आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बेटा, 2.1, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। ये रहा के और ये रहा एल, ये रहा लिथियम, ये 2 और 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो दोनों मिलाकर के अगर मैं देखूं तो हाइड्रोजन हमारा इन अल्कली मेटल्स के साथ या फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स के साथ में भी रिजेंबलेंस शो करता है या समानता दर्शाता है, और हमारे हेलोजन्स के साथ में भी समानता दर्शाता है। तो ऐसी परिस्थिति में यह दोनों से सिमिलैरिटी शो करता है, तो फिर इसको फर्स्ट ग्रुप में क्यों रखा, 7th में क्यों नहीं, या जहां पर हमारे हेलोजन्स है वहां पर क्यों नहीं। तो दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन और डीमेरिट ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। ये हमारे मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का पहला क्या है, लिमिटेशन कह लीजिए, या उसका पहला क्या कह लीजिए आप, डीमेरिट कह लीजिए, ठीक है। दीज आर द डीमेरिट्स और द लिमिटेशंस, दोनों में से आप जो भी नाम देना चाहें। दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन। नाउ द सेकेंड वन, दूसरा सेकेंड आता है, दैट इज नो फिक्स्ड पोजिशन फॉर द आइसोटोप्स, ठीक है। जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स के लिए नो फिक्स्ड पोजिशन, इनके लिए कोई अलग से पोजिशन नहीं थी। अब बात यह आती है आइसोटोप्स होते क्या है। आइसोटोप्स का मतलब होता है बेटा जिनका एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट, जिनका एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। एग्जांपल ले लेते हैं अपन। एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल होगा दैट इज 1H1, 1H2, 1H3। क्या होगा एग्जांपल, 1H1, 1H2 एंड 1H3। ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर, ये हो गया आपका मास नंबर, ठीक है। तो जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, सबका सेम है, मास नंबर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, ठीक। पॉइंट नंबर, एग्जांपल नंबर 2, ये रहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8-16 एंड ऑक्सीजन 8-17, ठीक है। ये रहा उसका एटॉमिक नंबर, ये रहा उसका मास नंबर, ठीक। यदि मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पर डिपेंड करता है तो इन सब के लिए भी क्या होनी चाहिए थी, सेपरेट प्लेस होनी चाहिए थी। हाइड्रोजन के लिए भी सेपरेट प्लेस होनी चाहिए थी, ऑक्सीजन के लिए भी सेपरेट प्लेस होनी चाहिए थी, कार्बन के लिए भी सेपरेट प्लेस होनी चाहिए थी। लेकिन देयर इज नो सच प्लेस और डिफरेंट प्लेस फॉर द
आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के लिए कोई भी अलग से प्लेस जो है वो मेंडलिफ के पीरियोडिक टेबल में मेंशन्ड नहीं थी. इट इज द सेकेंड वन डीमेरिट, ये इसका दूसरा डीमेरिट है. नाउ द थर्ड वन, तीसरा जो पॉइंट आता है दैट द एटॉमिक मासेस जो के अकॉर्डिंगली जो पीरियोडिक टेबल बनाया गया था उसमें हमेशा कौन से ऑर्डर में रखा गया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वो एलिमेंट्स को जमाया गया था. इंक्रीजिंग ऑर्डर्स ऑफ एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया गया था. इसका मतलब ये हुआ कि जिसका एटॉमिक मास कम है, लेस है, उसने कहाँ आना चाहिए, पहले आना चाहिए था, उसने कहाँ आना चाहिए था, पहले. और जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है या मोर है उसने कहाँ आना चाहिए था, बाद में, है ना, उसने बाद में आना चाहिए था. लेकिन जब एलिमेंट्स को देखा गया तो जो लाइटर एलिमेंट्स थे, लाइटर एलिमेंट्स मतलब जिनका मास कैसा है, कम है, ठीक है, उनको कहाँ रखा गया बेटा, बाद में रखा गया. और जिनका मास ज्यादा है उनको पहले रखा गया. एग्जाम्पल बता रही हूं मैं, दैट इज आर्गॉन हुज एटॉमिक मास इज 39.9, जिसका एटॉमिक मास 39.9 है, ठीक है. जबकि पोटेशियम जो है उसका एटॉमिक मास कितना है, 39.1. लेकिन यदि हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो आर्गॉन की पोजीशन कहाँ है, पहले है, और जो पोटेशियम है उसकी पोजीशन कहाँ है, बाद में है. इफ योर पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास इन दैट कंडीशन द पोजीशन ऑफ द पोटेशियम शुड बी बिफोर द आर्गॉन, बट इट इज नॉट हैपन्ड, ऐसा नहीं हुआ. तो दिस इज द ड्रॉबैक, ये ड्रॉबैक हुआ. नाउ द सेकेंड वन, एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. द सेकेंड वन एग्जाम्पल इज कोबॉल्ट. कोबॉल्ट जो होता है इसका एटॉमिक मास है 58.9, और जो हमारा निकल होता है उसका एटॉमिक मास है 58.7. तो पहले किसको रखा जाना चाहिए था, निकल को. इसकी पोजीशन कौन सी हो गई, पहले. कोबॉल्ट की पोजीशन कौन सी हो गई, बाद में. लेकिन जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं मेंडलिफ का, तो उस कंडीशन में कोबॉल्ट की पोजीशन कहाँ आ जाती है, पहले, और निकल कौन से पोजीशन पर चला जाता है, बाद में, ठीक है, सेकेंड पोजीशन पर चला जाता है. इट इज द थर्ड वन ड्रॉबैक ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल, वो इस पीरियोडिक टेबल का जो है बहुत बड़ा ड्रॉबैक है. तो इस तरह से दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द मेंडलिफ्स पीरियोडिक टेबल. ये मेंडलिफ के पीरियोडिक टेबल के ड्रॉबैक्स थे, ठीक है, जिसको ओवरकम बाद में किया गया विद द हेल्प ऑफ न्यू पीरियोडिक टेबल एंड विच इज कॉल्ड एज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं. तो आज इस लेक्चर में यहीं तक. हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ में, ठीक है. थैंक यू वेरी मच.